ट्विंकल मेरे साथ मौजूद हैं और अब उनकी जिंदगी का एक और पहलू जो उनकी परेशानी से, उनके शरीर से खून निकलने वाली दिक्कत से भी ज्यादा रहस्यमय है। पहली बात, मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था और अभी आप भी चौंक जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि ट्विंकल ने अचानक उर्दू लिखनी शुरू कर दी। उर्दू का उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, उर्दू में उन्होंने कुछ नाम लिखे। ट्विंकल का कहना है कि उनके कुछ 5 दोस्त अभी हाल के दिनों में बने हैं, ये दोस्त किसी और को नहीं दिखाई देते हैं। ट्विंकल की माँ नंदिनी भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। इस बीच नंदिनी जी के घर में भी कुछ रहस्यमयी चीजें होना, जगह फर्श पर खून मिलना या इस किस्म की दूसरी चीजें देखने को मिल रही हैं। ट्विंकल का ये दावा है कि इस वक्त भी उनके वो 5 दोस्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पीछे यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों की बातचीत को सुन रहे हैं। सनल एडमारुकू मेरे साथ मौजूद है, आचार्य अतुल्यनाथ और मेरे साथ डॉक्टर सुर भी मौजूद है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कोई मिस्ट्री है या फिर कोई परेशानी जो जुड़ी हुई है ट्विंकल के साथ। लेकिन सबसे पहले वो रहस्यमय खबर जो बताती है ट्विंकल के इन 5 नए दोस्तों के बारे में। उसे भूतों से डर नहीं लगता, भूत का नाम सुनकर वो कांपती नहीं है। भूत का नाम सुनकर उसके पसीने भी नहीं छूटते। वो खेलती है अपने अदृश्य दोस्तों के साथ। इस मासूम चेहरे को देखिए, ये 14 साल की ट्विंकल है। इंसान और जानवर की दोस्ती के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इंसान और अदृश्य सायों की दोस्ती के बारे में शायद ना सुना हो। लखनऊ की रहने वाली ट्विंकल त्रिवेदी का कहना है कि उसकी दोस्ती अदृश्य लोगों के साथ है। एक महीने कभी नहीं पता था, अभी पूरा एकदम 4 साल अभी का है। उन्हें क्या होता है बताओ, अभी का है आपको निकी मेरे पीछे। अच्छा है, समझ कितने पांच एक साथ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, ऐसे डिजाइन से खड़े हैं। अच्छा, कौन कौन खड़ा है इधर? ये इधर कौन खड़ा है? और अली और इमान अफ्तार और बहन यहाँ पर पांचों का नाम नहीं पता है। ये पांचों का नाम नहीं पता, इधर इधर कौन नहीं बताते थे? पांचों का नाम नहीं बताता, इसके नाम इसका नाम पता है। ये कितना बड़ा है? इधर बड़ा, ये भी बड़ा है इधर। कितना बड़ा? मम्मी क्या है बताओ। अरे फिर बड़ा कितना है ये बताओ, तो कितना बड़ा है? इससे भी लंबा है लंबा। क्या ये ट्विंकल का महल एक वहम है या फिर वाकई साइंस से परे? कुछ इस तरह की हकीकत भी दुनिया में मौजूद है। ट्विंकल के मुताबिक उसके एक या दो नहीं बल्कि 5 ऐसे दोस्त हैं जो किसी को नहीं देखते। मेरा कौन है कि हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं पहले तो ये कहती थी शुरू में इसने कहा है कि 21 लोग हैं, फिर इसने कहा 11 लोग हैं, फिर जब हम दिखाने जाते थे मुस्लिम के या परेशान ना होइए, ये धीरे धीरे ये सारे लोग हम ऐसी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 21 दिन शमशान से पूजा करेंगे। काफी खर्चा भी किया उन्होंने, मैंने खर्चा किया, ये यहाँ पे ये लगना है यहाँ पे रुकना करके करीब 7-8 हजार रूपए खर्चा किए। मैंने उनको सामान वामान का पैसा दिया, तो ये धीरे धीरे ये सब बुरे लोग हैं और इसको जो दिखते हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, उनकी क्वांटिटी कम होती गई। अब ये है कि उन्होंने कहा कि इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी की मदद करेंगे। रियल लाइफ में बच्चों और भूतों की दोस्ती थी तो आपने खूब देखी होगी, और रियल लाइफ में भूत प्रेत या आत्माओं को वश में करने के दावे भी खूब सुने होंगे। लेकिन अदृश्य लोगों से दोस्ती
ट्विंकल के लिए एक ऐसी हकीकत है जिसे सही ठहराना भी मुश्किल है और नकारना भी। श्री शुक्ल, लाइव इंडिया, लखनऊ। इस वक्त भी मौजूद है आपके वो पांचों दोस्त? हाँ। कहाँ पर हैं? क्या क्या नाम है इनके? अल्ताज, अफ्ताज, अली, ईमान और पांचवे का नाम नहीं पता। पांचों का खड़ा? हाँ। पांचों इतनी छोटी सी जगह में खड़े हो गए? पांच लोग खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इतनी जगह में नहीं खड़े हो। ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं। नहीं बड़े। क्योंकि देखिए आप और मम्मी बैठे हैं, दो लोग इतनी सी जगह में बैठे हुए हैं, पांच लोग वहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं ये लोग अब? कुछ नहीं है, सोफे पे ऐसे रहते हैं, हाथ रखे, बात सुन रहे। कुछ बोल नहीं रहे? इनसे कुछ पूछिए आप। जैसे इनको कार्यक्रम कैसा लग रहा है? मैं ज्यादा चाहती हूँ कि अच्छा, आपने कभी इनसे बात करी है? बहुत कम। क्या बात करिए? जब भी करिए तो खेलना है, चलिए खेलते हैं। किस विषय में? खेल के विषय में? हाँ। फिर खेली हो इनके साथ? हाँ। क्या खेलते हो? जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वैसे इन लोगों के साथ। आपकी उम्र की है ये सब? नहीं। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े। मेरे बराबर है या सनल जी के बराबर है? किसके बराबर? कितनी उम्र होता है? आपसे कोई छोटे हैं? मुझसे छोटे हैं। कॉलेज ये कुछ पढ़ते हैं? क्या करते हैं लोग? नहीं कुछ नहीं पढ़ते। इनको कभी टेलीविजन पर देखा है आपने या इनको कहीं पर देखा है इनके जैसा कुछ मिलता जुलता? नहीं। ये क्या कपड़ा तो कौन सा वाला? कुर्ता में है, शर्ट में है और कुछ जैकेट है, ऐसा कुछ है? नहीं, जैसे मुसलमान लोग कपड़े पहनते वैसे ही पहनते हैं। नहीं, जीन्स और पठान कुर्ता। जीन्स और पठानी कुर्ता? पठानी। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ और सवाल जानना चाहूँगा कि आपने बताया उर्दू भी लिखना शुरू कर दिया है? पिछले साल क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। पिछले साल ये जो बेहोश हो गई, ब्लड ये आँख से बहुत सारा इसे व्हाइट व्हाइट निकला था, व्हाइट व्हाइट निकला था उसी समय उसके कान से भी और मुंह से भी ब्लड निकला था। उसके बाद ये बेहोश हो गई, बेहोश होते होते इनके हाथ में एकदम टेढ़े हो गए। इन्होंने अचानक ऐसे 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 लिखना शुरू करा, धीरे धीरे हाथ सीधा किया और फिर ऐसे ऐसे लग रहा था कि कुछ लिखना चाहती है। मैंने इनके हाथ में, अपने ही हाथ से इनके उंगलियों में पेन ऐसे फंसा दिया कि शायद ये कुछ लिखना चाहती है और रजिस्टर का पेज रख, मतलब पूरा रजिस्टर रख दिया। तो ये नहीं कि ऐसे भी लिख सकती थी, इतने स्पीडली जैसे ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा उर्दू लिखा जाता। मुझे ये लगा कि बेहोश है तो ये शायद हाथ नहीं चला पा रही है, लेकिन ये बिल्कुल उर्दू के ऐसे ऐसे वर्ड बना रही थी। वो है कागज? वो कागज नहीं है, वो कागज मैंने मुस्लिम को दिखाया था जाके। अच्छा आप किसी तांत्रिक से मिली? उसके बाद एक चीज पूछना था, जब तो इसका तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, ये तो पैरानॉर्मल स्टडीज में ये तो ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं, ये तो खुद लिखता था आपका हाथ भी साथ था? नहीं नहीं, वो बोर खड़े खुद लिख रहा था। नहीं वो तो एक्चुअली उर्दू था, लेकिन जब उसको होश आता था तब उसको खुद नहीं पता था कि ये मैंने लिखा है, ये अपने वर्ड हमने ये लिखा है। नहीं ये तो परफेक्टली फाइट, मैंने ये पूछना था आपको उर्दू जानता है? नहीं। उनको जानता है? फैमिली में किसी और को जानता है? कैसे पता हो गया ये उर्दू है और उर्दू जैसा कुछ? मैंने दिखाया, मुस्लिम को दिखाया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा ये अरबी और जैसे सिंधियों की अरबी होती है। देखिए अरबिक और उर्दू में सिर्फ वर्ड थे वो।